चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जो कि देहरादून से। आपको बता दें कि उत्तराखंड में वैश्विक निवेश सम्मेलन की तैयारियां तेज हो गई हैं। आज से उत्तराखंड में भी रोड शो किया जाएगा। सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है और जिनको सफल बनाने की कवायद की जा रही है। सोनू, लगातार हम देख रहे हैं सीएम धामी वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर काफी गंभीर नजर आ रहे हैं। विदेश से लेकर मुंबई से लेकर तमाम शहरों का उन्होंने दौरा किया है और अब जल्द ही वो दिन भी आने वाला है, 8 दिसंबर दूर नहीं है। और क्या कुछ तैयारियां जो हैं वो उत्तराखंड में अब की जा रही हैं? देखिए, जब से सरकार ने दिसंबर माह के शुरुआत में वैश्विक निवेशक सम्मेलन आयोजित करने का फैसला लिया है, तब से ही जो भी वैश्विक निवेशक सम्मेलन से संबंधित अपडेट हुए हैं वो लगातार हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाए हैं और जो अब इसमें आगे होने वाले हैं हम उसका भी अपडेट कर रहे हैं। और अनादी टीवी की जो उत्तराखंड की टीम है वो लगातार मुख्यमंत्री के और खास तौर से वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जो संबंधित कार्यक्रम है उन पर लगातार नजर बनाए। आज की अगर हम बात करें तो अब अभी तक मुख्यमंत्री ने दिल्ली से लेके विदेशों तक कई अलग अलग समय पर अलग अलग स्थानों पर निवेशक सम्मेलन से संबंधित पहलुओं पर चर्चा की, निवेशकों के साथ उनको आमंत्रित किया और तमाम जो बड़ी बड़े उद्यमी हैं उनके साथ जो है वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में MOU साइन हुए। तो अब क्योंकि उत्तराखंड में ये सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है तो अब जनपद स्तर पे उत्तराखंड में रोड शो आयोजित किए जाएंगे और जो पहले से ही यहाँ पर औद्योगिक इकाई उद्यमी जो कार्य कर रहे हैं, जो अपने कारोबार को यहाँ पर पहले से स्थापित किए हुए हैं, ऐसे तमाम निवेशकों से रोड शो के माध्यम से उनका जो औद्योगिक इकाई यहाँ पर स्थापित है उसके निवेश के दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है इस पर अब सरकार फोकस कर रही है। और सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है इसके लिए अभी तक 1,24,00,000 करोड़ रुपए के निवेशकों से हस्ताक्षर हो चुके हैं। एक तरफ सरकार ये फोकस कर रही है कि जो निवेश के करार हुए हैं इनको धरातल पर कैसे उतारा जाए। जब ये निवेशक सम्मेलन आयोजित हो रहा होगा तो उस वक्त इसकी निवेश की ग्राउंडिंग हो सके इस पर फोकस किया जा रहा है। दूसरी तरफ जो उत्तराखंड में ही पहले से अपने व्यापार को कर रहे हैं उनके निवेश के दायरे को कैसे बढ़ाया जा सकता है, तो एक नहीं बल्कि अनेकों स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। जो सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया उसको पूरा करने के और ज्यादा से ज्यादा निवेशकों को इस सम्मेलन में आकर्षित और आमंत्रित करने के लिए हर स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित किया है आखिर ये तय समय सीमा में पूरा हो पाएगा या इससे अधिक निवेशक जो है वो निवेश करने के लिए उत्साहित होते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में किस तरह से यहाँ पर जो निवेशक है वो निवेश करते उत्तराखंड में, उत्तराखंड के आने वाले भविष्य में किस तरह की एक अलग तस्वीर देखने को मिलती है। क्योंकि सीएम की ओर से ये भी लगातार कहा जा रहा था कि राज्य सरकार, उद्योग जगत और प्रमुख औद्योगिक संगठन जो है वो लगातार उनसे संपर्क कर रहे हैं और अब वो दिन भी दूर नहीं है जब वैश्विक निवेशक सम्मेलन जो है वो उत्तराखंड में होगा, जिसे लेकर जो तैयारियाँ हैं वो की जा रही, अंतिम चरण पर तैयारियाँ पहुँच चुकी है और आज उत्तराखंड में इसे लेकर रोड शो भी किया जाएगा। सरकार ने 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है।